सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जैसे तैसे डॉक्टर्स व वार्डों में दवाएं तो मिल जाती हैं, मगर जरूरत पड़ने पर उन्हें रक्त नहीं मिल पाता है। इस स्थिति में कई बार स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। वहीं कई बार महंगे दामों में भी ब्लड को खरीदना पड़ता है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने के चलते ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाता है, जिससे ब्लड भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो वहीं लॉकडाउन के चलते जिला अस्पताल एल्गिन अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेज में भी रक्तदान शिविर बंद हैं। कोविड के दौरान करीब फरवरी से, जब से ये शुरू हुआ फरवरी मार्च से, तब से स्कूल कॉलेजेस लॉकडाउन के कारण पूरे बंद हो गए। जो मुख्य स्रोत है ब्लड बैंकों में ब्लड मिलने का, वो होते हैं कॉलेज। सभी कॉलेज बंद हैं, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण सरकारी ब्लड बैंकों में ब्लड की काफ़ी कमी देखी जा रही है। बीच बीच में कुछ जो संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो छोटे छोटे कैंप आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि शासन के निर्देश हैं कि 20 से ज़्यादा डोनेशंस अभी अपन ना कराएं, क्योंकि भीड़ हो जाती है। तो उसी आधार पर छोटे छोटे कैंप आयोजित हो रहे हैं, वो भी बहुत कम हो पा रहे हैं। लोगों में इस बात का एक डर है कि ब्लड बैंक में भी, मैंने देखा अभी बहुत से मरीज हम मुझसे आकर बोलते हैं कि साहब हमारे पास ब्लड डोनर तो है, लेकिन वो यहाँ आकर देने में डर रहा है कि अस्पताल के कैंपस में आने से कहीं उसको संक्रमण ना हो जाए। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ब्लड बैंक है बिल्कुल अलग बना है, उसका सैनिटाइजेशन बराबर किया जा रहा है। और मेरा तो सभी संस्थाओं से अनुरोध है कि बिल्कुल निडर होकर ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पा रहा है। और इसमें डर की कोई भी बात नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कॉलेजेस नहीं खुलते तब तक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित नहीं हो पाएंगे।